अंतः प्रवाह सोसाइटी हरिद्वार एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल का 3 दिवसीय आयोजन दिनांक 10 से 12 जनवरी 2020 तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय सभागार में किया जा रहा है। इस लिटरेचर फेस्टिवल में थिएटर, फिल्म, कथा परंपरा, दास्तांगोई, कथा वाचन, ड्रामा, संगीत एवं रचनात्मक लेख विषय पर चर्चा के लिए बॉलीवुड के मशहूर गीतकार समीर अंजान, साहित्यकारों के पुरोधा प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश, जाने माने पर्यावरणविद क्लाडे अल्वारिश समेत देश विदेश के अनेकानेक हस्तियां प्रतिभाग के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन हिंदी फिल्म गीतकार समीर अंजान, वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अंतः प्रवाह के निदेशक श्रवण कुमार ने कहा कि इस लिटरेचर फेस्टिवल के 13 सत्रों में विभिन्न विषयों पर काफी गहराई से विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा एवं इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो साहित्य को उज्जवल भविष्य प्रदान करेगा। 13 सत्र में आप कहीं ना कहीं हर राइटर को, हर पर्यावरणविद को, हर संगीतकार को, हर आर्टिस्ट को एक बात कहता जरूर, क्योंकि सवाल जो है रिश्तों का है और सवाल या निशान रिश्तों पे जो लगाया है वो हमारे अपने लगाते हैं, अपनों के खिलाफ हमें रिश्ते जब टूटते आते हैं तो सवाल या निशान लगाते हैं। तो हर आर्टिस्ट आपको एक सवाल पूछता आएगा कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसे लुटा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों पे जो सारे सवाल हैं, कहीं ना कहीं हमारे आर्टिस्ट कल आप हमारे जो 13 सत्र होंगे कल और परसों में उन पे पूछते हुए आएंगे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को हो, पर्यावरण को लेके हो, साहित्य को लेके हो, पोएट्री को लेके हो, थिएटर को लेके हो, या पेंटिंग को लेके हो, फोटोग्राफी को लेके हो। तो ये सब चीजों को लेके हमने एक कोशिश की है इस फेस्टिवल में उन सवालों को पूछने की, और उस सवालों के लिए हमारे जो अभी बताया था आए हुए हैं नेपाल से, भूटान से, हमारे यहाँ से जो आए हुए हैं प्रोफेसर कपिल कपूर भी आने वाले हैं, प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, समीर साहब आए हुए हैं। तो ये सब हम देखेंगे, जो गुलदस्ता है इसमें एक सतरंगी गीत भी मिलेंगे, तो सतरंगी कहीं सोच होगा। समारोह के आयोजक अंतः प्रवाह संस्था के सचिव संजय हांडा ने कहा कि आज साहित्य बड़े ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, ऐसे में साहित्यकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को अहम भूमिका निभानी होगी। सहमी हुई चुप्पी में जकड़े रहना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं, मुट्ठियां भींचकर वक्त निकाल लेना, मुट्ठियां भींचकर वक्त निकाल लेना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़फ का ना होना, घर से निकलना, काम पर जाना और घर लौट कर आ जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। एक बहुत पुराने इतालवी दार्शनिक हैं अंतोलियो ग्राम्शी, जिन्होंने कहा है कि पुराना जो कुछ भी है वह सब नष्ट हो रहा है और उसकी जगह कुछ भी नया उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए कि हमें सबको ऐसा लगता है कि शायद यह एक विकृतियों भरा समय है, दुनिया में व्याप्त हिंसा और अराजकता भी पुराने मूल्यों को नष्ट कर रही है और नई उत्पन्न हुई अच्छाइयाँ आज के समय में कहाँ दब जा रही हैं यह हमें किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। निसंदेह यह समय हम सब के लिए, खास तौर से लेखकों और साहित्यकारों के लिए एक बहुत उहू पुहू भरा है। वर्तमान परिस्थितियों ने ना केवल हमें
असहज कर दिया है, बल्कि कंफ्यूज भी कर दिया है, और हमारी मौलिक सूझबूझ को ही नहीं बल्कि बुद्धि को भी इस तरह से ग्रसित कर लिया है कि हमारे अंदर गुलाम होने का एहसास भी मर चुका है। ये एक और जहां अच्छे और आदर्श साहित्य को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां दूसरी ओर ही आदर्श संस्कारों को कायम रखने की जिम्मेदारी बहुत जोर शोर तरीके से हम सब साहित्यकारों को निभानी पड़ रही है, और यहीं से काम शुरू हो रहा है अंतः प्रवाह का। कथाकार संजय सिन्हा ने कहा कि साहित्य इंसान बनाता है, अतः इसकी समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। साहित्य क्या है? मनुष्य बनने की एक प्रक्रिया है। हम साहित्य को सिर्फ मनोरंजन के रूप में पढ़ लेते हैं तो साहित्य का कोई अर्थ नहीं रहता, साहित्य का कोई मायने नहीं रहता, जब तक कि हम अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात नहीं करें। साहित्य की दो बुनियादी शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि उसे लिखा किसने है और क्यों लिखा है, और दूसरी बात कि साहित्य किसी भी फॉर्म में हो, अगर एक कहने वाला हो तो एक सुनने वाला भी होना चाहिए। अगर श्रोता नहीं है तो साहित्य अपना अस्तित्व खो देता है फिर से। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश ने कहा कि साहित्य आज गोलबंदी के दौर से गुजर रहा है, साहित्यकारों को इस गोलबंदी से निकलना होगा। यदि आप अपने जीवन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को समाज के अनुरूप बनाना चाहते हैं, यदि आप मनुष्य का कार्य पूरा रूपांतरण करना चाहते हैं, तो महापुरुषों का जीवन चरित्र आपके सामने, आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। प्रसाद जी ने लिखा, युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर, यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। परंपरा का उत्तमांश शाश्वत होने के कारण, एटर्नल होने के कारण जीवित रहता है, और जो अनुपादेय होता है, जो समय होता है, वो टूटता फूटता विलुप्त हो जाता है। मानव पीढ़ियों की भावात्मक वैचारिक और कलात्मक अनुभूतियाँ उपलब्धियों के रूप में समय के प्रवाह में अजस्र छोड़ दी जाती हैं। उसमें जो एटर्नल है, जो शाश्वत है, वो स्थिर रहता है, और जागरूक साहित्यकार अपने उत्कट युगबोध के साथ इंटेंसिव सेंस ऑफ टाइम उसमें होता है। मैं आज के दौर की बात अगर करूं आपके सामने, बार बार निराशा की बात की जाती है, और है भी आज साहित्य गोलबंदी में खड़ा है। एक पक्ष साहित्य का वो है जो सत्ता का मुख होता है, दूसरा पक्ष वो है जो चाहे अनचाहे सत्ता का विरोध करने के लिए शैतान की तरह पैदा हुआ है। लेकिन एक तीसरा विशुद्ध साहित्य की सृजना करने वाला दल भी तो है, उसकी चर्चा आप क्यों नहीं करते? जिसका न मतलब सत्ता से है, जिसका न मतलब सत्ता के विरोध से है, जिसका न मतलब सत्ता का सम्मान करके पद्मश्री आदि उपाधियां प्राप्त करने से है। ये एक बहुत बड़ा गोल है। शुद्ध साहित्यकार को इस गोल से बाहर निकलना होगा। साहित्य शुद्ध सृष्टि है, और इस बात को कहने का एक अपना अंदाज है, एक अपना तरीका है। सृजनेच्छा संपन्न, भाषिक अभिव्यंजना की सामर्थ्य से संपन्न साहित्यकार अगर अपने समय के प्रति सचेत नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा अपने साथ कर रहा है। वो साहित्य के साथ अपना अन्याय कर रहा है। उसे तटस्थ होकर खड़ा होना होगा, और साहित्य का जो निर्मल स्वरूप है उस निर्मल स्वरूप की रक्षा करनी होगी। जो साहित्यकार अपने समय को धोखा दे रहे हैं वे मनुष्य की रक्षा नहीं कर रहे हैं। साहित्य का केंद्र मनुष्य है, नहीं मानसार्थ श्रेष्ठतरम। भगवान वेदव्यास ने महाभारत में कहा था, मनुष्य से बढ़कर और कोई नहीं है,
मनुष्य पर केंद्रित होने वाला साहित्य साई होता है, अमर होता है, क्योंकि परंपरा का निर्वाह करता है और परंपरा में से वह वही पकड़ता है जो सारवान होता है, जो सार्थक होता है, जो जीने वाला होता है। जो अंश जीने वाला नहीं है वो परंपरा छोड़ देती है। ट्रेडिशन आवश्यक है आपको अपना अतीत जानने के लिए। अतीत का इतिहास है परंपरा, वर्तमान की प्रेरणा है परंपरा, भविष्य का आश्वासन है परंपरा। और अगर वो परंपरा लुप्त हो गई, जैसा कि आज पाश्चात्य प्रभावों के कारण बहुत से काव्य आंदोलन, भाषिक क्षमता के बहुत से आंदोलन यूरोप में, मुख्यतः ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में हुए, कनाडा में हुए, उन सारे प्रयोगों के बीच मनुष्यता कहीं जीवित है। आज हमें अपने समय के साथ चलना है। जो साहित्य का है परंपरा प्रज्ञा का उचित तालमेल बैठा सकेगा, अपने समय के बोध को पहचान सकेगा, वही श्रेष्ठ साहित्य का निर्माण करेगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार समीर अंजान ने फिल्मी गीतकारों को साहित्यकारों से अलग समझने पर जहां एक तरफ अपनी व्यथा व्यक्त की, वहीं साहित्य की समृद्धि हेतु गीतकारों के योगदान को बताया। साथ ही साहित्य को समय और रुचि के साथ बदलाव लाकर बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये लिटरेरी फेस्टिवल कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, उसकी एक वजह बताता हूं मैं आपको। जिस साहित्य सम्मेलन की जमीन गुरुकुल कांगड़ी जैसी जगह से रखी गई हो, वहीं से ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाती है कि देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं। साहित्य की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, सबसे पहले तो अगर जमीन सही है तो मकान सही बनेगा, नहीं तो मकान कभी भी गिर जाएगा। और गिरते रहते हैं, बहुत सारे साहित्यिक सम्मेलन होते रहते हैं, वो बहुत दूर तक नहीं जाते। मगर धन्यवाद के जो पात्र हैं, इससे जुड़े जितने लोग हैं, श्रवण जी हैं, हमारे संजय हांडा साहब हैं, और इससे जुड़े जितने सदस्य हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उनसे वादा करता हूँ कि वो जब जब मुझे इस साहित्य सम्मेलन में बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। अक्सर इस विषय में बात होती है कि फिल्म और साहित्य का कोई रिश्ता नहीं है। माँ की लोरी में भी एक साहित्य है, एक जो फोक गाते हुए जो एक बंजारा जाता है उसके गाने में भी एक साहित्य है। साहित्य हर जगह है। आप साहित्य को ये मत कहो कि उसको कहीं विभागों में मत बांटो कि केवल मुशायरे के मंच पर ही साहित्य है या कवि सम्मेलन के मंच पर ही साहित्य है या चंद लोगों की बपौती नहीं है साहित्य। साहित्य हर जगह है, उसको समझने की जरूरत है। शैलेंद्र जैसा शायर, साहिर लुधियानवी जैसा शायर लिखता है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, इसमें क्या मुश्किल है। शैलेंद्र जैसा शायर लिखता है कि तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम हो गया क्या नहीं। अगर इसमें आपको साहित्य नहीं दिखता तो कम से कम वहां तो दिखता है कि सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, ना कुछ लेके जाएंगे ना कुछ दे के जाएंगे। भैया ने जो कहा कि रोते हुए आते हैं सब, मेरे ख्याल से जिंदगी के ऊपर मेरे पिताजी से इससे खूबसूरत पंक्ति किसी ने नहीं लिखी होगी कि जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अगर ये साहित्य नहीं है तो आप किसको साहित्य, और कैसे कह सकते हैं कि फिल्मों में साहित्य नहीं है। साहित्य क्या है? साहित्य भाषा और शब्द को सुदृढ़ बनाने का एक माध्यम है। आप एक बिखरी हुई चीज को सही जगह अगर सजा दें और उसको उसके उत्कृष्ट पैमाने पर लेके जाएं, वही साहित्य है, वही उसी को साहित्य कहते हैं। उस चीज को जो टूटी फूटी चीजें हैं या जिनमें वो गहराई नहीं है उनको गहराई देने का काम जो लोग करते हैं वही साहित्य को सजाते हैं, वही साहित्य को संवारते हैं। साहित्य सम्मेलन हो या इस तरह के जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं, समारोह जो सम्मान समारोह हो,
हम उम्र लोग ही वहां इकट्ठा होते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, चले जाते हैं। तो नौजवानों को जोड़ना बहुत जरूरी है, और इस विषय में मैं आज इनसे रात को बात भी करूंगा कि कैसे नौजवानों को यहां लाया जाए, किस तरह से इस मंच पे। अच्छा, और आज का युवा वर्ग मैं आपको बताऊं इतना इंटेलिजेंट है कि आप जब उनसे अच्छी बात कहते हैं तो वो समझते हैं, उसमें उतरने की कोशिश करते हैं। उनका दुर्भाग्य ये है कि वो उस मंच तक पहुंच ही नहीं पाते जहां उनको अच्छी बात सुननी है। तो उनको इस मंच तक कैसे लाया जाए ये बहुत जरूरी। अच्छा, जब लाया जाए तो आप समीर को भी सुनेंगे, डांस का प्रोग्राम भी देखेंगे, नए गाने भी सुनेंगे, मगर उसमें आप शास्त्री जी का भाषण भी सुनेंगे, उनका साहित्य भी सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे। उनको जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने फेस्टिवल के सफल होने की कामना करते हुए आगे भी सकारात्मक योगदान देने का आश्वासन दिया। इस समस्त कार्यक्रम के जीवंतता को रखने और बढ़ाने का जो कार्य भाई श्रवण जी ने और संजय जी ने किया है और उनकी टीम ने किया है, पहले तो मैं इन सभी को हृदय से बधाई देता हूँ और इनका साधुवाद इस दृष्टि से करता हूँ कि आपने इस फेस्टिवल के लिए पिछले साल से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को ही एक कार्यक्रम स्थली के रूप में चुना। यह विश्वविद्यालय का भी एक सौभाग्य है कि जहां पर समीर जी जैसे विश्व प्रसिद्ध गीतकार अपने शब्दों को इस गुरुकुल कांगड़ी की पवित्र धरा पर व्यक्त करते हैं। आपने बड़े विनम्र शब्दों में और जन सामान्य के हृदय तक पहुंचने की भावना के साथ जो अपनी बात या अभिव्यक्त की, ये आपके सहृदय व्यक्तित्व का एक अनुपम उदाहरण है। बहुत सारी विभूतियां इन तीन दिनों में आकर अपने अपने कला का, अपने अपने साहित्य के, अपनी प्रज्ञा का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने शब्दों का, अपने साहित्य का जो एक प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये उसकी आधार स्तंभ है, ये उसकी आधारशिला है जो आज प्रोफेसर राकेश जी ने यहां पर रखी है और आपने उसको अपने शब्दों से संजोया है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत संगीत ने इस फेस्टिवल में चार चांद लगा दिए। Say it.
तेरी वजह से तुम्हें।